सवाल है और इस सवाल पर हमें एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पर कोई भी सवाल जो हो, देखिए यहाँ पर आंसर जो है हमारा जो RHS है वो साइन थीटा में, दोनों का आंसर साइन थीटा में है, तो हमें कॉस थीटा पे ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है और कॉस थीटा को बदल लेना है साइन थीटा में, दोनों कॉस थीटा को बदल लेना है साइन थीटा में। तो अगर मैं आपको सिंपल सा बात बताऊं तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। ये चीज हमें बहुत ध्यान में रखना है, और क्योंकि यहाँ पर मेरा आंसर साइन में है तो मैं कॉस वाले पे विशेष ध्यान देकर उसको बदल दूंगा, तो यानी मेरा आंसर हो जाएगा मुझे इस फॉर्मेट में बदल देना है। अगर वो बी है तो बी में बदल दूंगा, साइन बी में बदल दूंगा, अगर कॉस बी है तो साइन बी में बदल दूंगा, और अगर कॉस ए है तो साइन ए में बदल दूंगा। इससे मेरा आंसर बहुत ही समान और बहुत ही इजी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए कॉस की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मैं एक बार लिख लेता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो अगर मैं रख दूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए वन माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगले स्टेप में तो मुझे क्या दिखाई देगा, सिंपल सी चीज दिखाई देगी, साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, अगर मैं साइन बी मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर स्क्वायर बी। और हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी, ये और ये लाइक टर्म्स है, कटते हुए दिखाई देंगे और हमारे आंसर आता हुआ हमें दिखाई देगा। हिंस LHS इक्वल्स टू